हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं मारी गोल्ड फर्स्ट क्लास का थर्ड चैप्टर, जो कि एक पोएम है। चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। इस पोएम में आपको काउंटिंग सिखाई गई है और एनिमल्स के नाम बताए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी हेडिंग देखते हैं। हेडिंग में लिखा है वन लिटल किटन, जिसका मतलब होता है बच्चों एक छोटा बिल्ली का बच्चा। लिटल मतलब छोटा, किटन मतलब बिच्ची बिल्ली का बच्चा, वन मतलब एक। आगे पढ़ते हैं, पोएम को शुरू करते हैं पढ़ना। पहली लाइन में लिखा वन लिटल किटन, जिसका मतलब बच्चों एक छोटा बिल्ली का बच्चा। यहाँ पे आपको काउंटिंग भी सिखाई गई है और एनिमल के नाम बताए गए हैं। तो हम दूसरी लाइन पढ़ते हैं, टू बिग कैट्स, यानी कि दो बड़ी बिल्लियाँ। तीसरी लाइन में लिखा थ्री बेबी बटरफ्लाइज, यानी कि तीन तितलियों के बच्चे। फोर बिग रैट, चार बड़े चूहे। फाइव फैट फिशेस, पांच मोटी मछलियाँ। सिक्स सैड सीज, सी इस पिक्चर में कहीं सील इस पिक्चर में कहीं आपको दिखाई नहीं गई है। सील मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होती है सील, इसे सील कहते हैं। चलिए आगे हम अपनी पोएम को शुरू करते हैं। सेवन सिली सीगुल्स, सीगुल किसे कहते हैं बच्चों, सीगुल ये रहा, इसे सीगुल कहते हैं। एट हैप्पी ईल्स, अगली लाइन में क्या लिखा बच्चों, एट हैप्पी हील्स, ईल्स किसे कहते हैं बच्चों, ईल्स ये रही ईल, इसे ईल्स बोलते हैं। यह इलेक्ट्रिक मछली होती है, जो कि ये भी पानी में रहती है, ये शॉक देती है। अगली लाइन पढ़ते हैं, नाइन नर्वस लिजार्ड, यानी कि नौ घबराई हुई छिपकलियाँ। लिजार्ड किसे कहते हैं बच्चों, छिपकलियों को। अगली लाइन में लिखा टेन ब्रेव बीज, टेन मतलब दस, ब्रेव मतलब बहादुर, बीस का मतलब यह मधुमक्खियां, यानी बीज। आगे पढ़ते हैं, इलेवन स्मेली एलिफेंट, इलेवन का मतलब ग्यारह, स्माइली मतलब बदबूदार और एलिफेंट मतलब हाथी, ये रहे हाथी, इसे हाथी बोलते हैं। ट्वेल्व फैट फ्लीज, फ्लीज किसे कहते हैं बच्चों, बारह कछुए। फैट मतलब मोटे, फ्लीज इसमें आपको कहीं इमेज नहीं मिले होगी, कॉकरोचेस और कीड़ों मकोड़ों इन्हों को फ्लीज बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं, थर्टीन एलिगेटर, थर्टीन मतलब तेरह, एलिगेटर किसे कहते हैं, ये रहा मगरमच्छ, इसे एलिगेटर बोलते हैं। फोर्टीन वेल्स, वेल्स किसे कहते हैं बच्चों, वेल्स ये रही वेल, इसे वेल बोलते हैं। आगे क्या लिखा, फिफ्टीन डोंकी, डोंकी किसे बोलते हैं बच्चों, डोंकी ये रहा, डोंकी गधे को बोलते हैं, पंद्रह गधे। आगे पढ़ते हैं, विथ फिफ्टीन टेल, पंद्रह पूंछों के साथ। टेल किसे कहते हैं बच्चों, पंद्रह, फिफ्टीन बोलते हैं पंद्रह को और विथ के साथ। तो ये पोयम खत्म हो गई है। आगे हम वर्ड्स देखते हैं, कैट, कैट का मतलब बच्चों बिल्ली, फैट का मतलब मोटा, रेड का मतलब चूहा, सैड का मतलब उदास, टेन का मतलब दस गिनती। आगे हम एक्टिविटी देखते हैं, रीडिंग इज फन। हाउ मैनी काइंड ऑफ क्रिएचर आर देयर इन द पोयम, इस पोयम में कितने प्रकार के जानवर दिखाए गए हैं। तो इसमें पंद्रह प्रकार के जानवर दिखाए गए, पंद्रह नहीं चौदह प्रकार के जानवर दिखाए गए, पंद्रहवीं तो पूंछ है, तो हम इसे चौदह प्रकार के जानवर बताए गए हैं। आर द सील्स हैप्पी, क्या है सील्स मतलब हैप्पी, सील दुखी है, इसमें हैप्पी नहीं है। आगे पढ़ते हैं, सील वैसे इसमें कहीं मुझे दिख नहीं रही बच्चों, सील की मैंने आपको पिक दिखा दी है, सील को दुखी बताया गया। तो आगे पढ़ते हैं, वेयर डू द फिश लिव, यानी कि मछलियाँ कहाँ रहती हैं, मछलियाँ पानी में रहती है, ये क्वेश्चन करा हमने, मछलियाँ कहाँ रहती हैं ये पूछा गया, तो मछलियाँ वाटर में रहती हैं, हम इसे वाटर लिखेंगे। वॉट आर द अदर थिंग फाउंड इन वाटर, और दूसरी चीज़ें पानी में क्या पाई जाती है, ये एलिगेटर ईल्स, दो चीज़ें तो इसमें शो हो रही है। आगे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, वॉट आर द, ये हमने कर लिया, यहाँ पे ईल्स आ जाएगा और एलिगेटर आ जाएगा। अगली लाइन पढ़ते हैं, देर आर मैनी क्रिएचर इन द पोएम विच वन हैव यू सीन, इस पोएम में पंद्रह यानी कि बहुत सारे जानवर दिखाए हैं, आपने कौन कौन से देखे हैं। तो आपने तो बिल्ली देखी होगी, चूहा देखा होगा, तितली देखी होगी, तो वो आप लिख सकते हैं। आगे
कुछ वर्ड बताएंगे, टेल अस अबाउट व्हेन यू फील, तो आपको बताना जब आप दुखी होते हो तो कैसा महसूस करते हो, ब्रेव यानी कि जब आप बहादुर होते हो तो कैसा महसूस करते हो, जब आप खुश होते हो तो कैसा महसूस करते हो, आप नर्वस होते हो तो कैसा महसूस करते हो। तो यहाँ पे इमेजेस दिखाई गई है, ये सैड है, ये दुखी है, ये ब्रेव, ये बहादुरपना दिखा रहा है, अपना बहादुरी दिखा रहा है, और ये नर्वस है। ये नर्वस है, ये घबराया हुआ है, और ये हैप्पी है, ये लड़की हैप्पी है। तो बच्चों ये पोएम यहाँ पे ख़त्म हो गई है। बाकी आपको ये इनके अंदर वर्ड्स जो है के बी सी इनको ड्रॉ करना है, आप इन्हें ड्रॉ कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं।